चाय 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 हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का भारतीय रेल सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे NFR रूट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज। तो गाइस बेसिकली हम आ चुके हैं असम और गुवाहाटी वाले एरिया में। और गाइस आज जो हम लोग ट्रेन चलाने वाले हैं वो चलाने वाले हैं 05602 लमडिंग से गुवाहाटी की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। तो गाइस ये है यहाँ पे सिलीगुड़ी शेड का हमारा WDP4 और जो हमारी ट्रेन है वो है फिलहाल गाइज ICF कोच के साथ। गाइज तुम लोग काफी ज्यादा लाइक कमेंट कर रहे थे कि ICF कोच की जर्नी लेके आओ और कोई NFR रूट की जर्नी लेगा। तो गाइज काफी ज्यादा खूबसूरत रूट है ये, और बाकी गाइज तुम लोग एक बार नजारा देखो। फिलहाल गाइज हम लोग इंतजार कर रहे हैं जागी रोड पे, और एक बार गाइज मैं तुम लोग को टाइम टेबल दिखा देना चाहता हूँ। तो गाइज अपने को यहाँ से निकलना है और अराइव करना है 9:40 पे कामरूप खेतरी, और अपने को लास्ट गुवाहाटी तक लेके चलना है इस ट्रेन को। तो अपने गाइस चार स्टॉप होने वाले हैं। ऑब्वियसली यार जब पैसेंजर ट्रेन है तो फिर फुल यार यहाँ पे स्टॉप लेते हुए चलेंगे। और गाइस पहले ही रूट की मैं यहाँ पे पहले ट्रेन की शुरुआत जो है पैसेंजर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आप लोग को भी भाई प्रॉपर अच्छे तरीके से रूट देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि यार तुम लोग को पता है अगर गाइस हम लोग यहाँ पे सुपरफास्ट ट्रेन चलाएंगे तो गाइस फिर यू नो काफी ज्यादा लाइक गाइस स्टेशन स्किप करेंगे। बट गाइस यहाँ पे देख लो फिलहाल पानी पीने के लिए पूरा नल की व्यवस्था करी गई है, और गाइज ज्यादा कुछ यहाँ पे खास नहीं है जागी रोड स्टेशन पे, लेकिन ठीक है यार छोटा सा स्टेशन है और पैसेंजर ट्रेन है तो ऑब्वियसली छोटे छोटे स्टेशन पे रुकेगी, लेकिन गाइज प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा लाइक लंबा हो रखा है। तो गाइज कमेंट करना कि अभी तक लाइक जो लुक देखो तुम लोग कैसा लग रहा है, काफी लाइक ज्यादा ग्रीनरी वगैरह होने वाली है। और यार ये एक बार तुम ICF कोचेस देखो यार, एक नंबर वाइज डिटेलिंग कर रखी है यार इसमें, और काफी लाइक ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। तो चलिए गाइस एक काम करते अब भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है, हमारा जो सिग्नल है वो ऑलरेडी लाइक येलो हो रखा है, तो हम लोग अब सीधा चलते हैं हमारे लोकोमोटिव में। और यहाँ पे गाइस तुम लोग काफी लाइक दिनों बाद चगिंग साउंड फाइनली सुनने के लिए मिलने वाला है, और थोड़ी दिनों में लाइक यू नो WDP4D WDM3D सब लोकोमोटिव की जर्नी आएगी धीरे धीरे, तो डोंट वरी। फिलहाल गाइस हम लोग चलते हैं हमारे WDP4 के अंदर। तो गाइज ये देखो नजारा यहाँ पे इंटीरियर WDP4 का, और ये सिंगल कैब आई थिंक सो लोको है, और क्या ही भाई जबरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक सो मैं इसको खोल सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ भाई पहले तो भाई इसको खोल देता हूँ, यू नो एक मिनट इतना राइक ओपन रखते हैं, ठीक है ज्यादा ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे हम जो है अपने लोकोमोटिव का रिवर्सल जो फॉरवर्ड दे देते हैं। सिग्नल गाइस तुम देख सकते हो येलो हो रखा है, और अब भाई अपने को बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ट्रेन को जो है फिलहाल बढ़ाना है आगे की तरफ। तो चलिए गाइस यहाँ पे ब्रेक्स में जीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे 12% थ्रॉटल के साथ अपनी ट्रेन बढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस फिलहाल मैं आपको एक जबरदस्त पहले भाई क्रॉसिंग दे देता हूँ ट्रेन की। तो ये देखो हमारी भाई पैसेंजर ट्रेन भाई बढ़ना चालू कर चुकी है, लमडिंग गुवाहाटी पैसेंजर। गाइस भाई क्या ही डिटेल्ड लग रहा है यार यहाँ पे WDP4, जबरदस्त नजारा गाइस। तो भाई कमेंट करना, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तुम लोग अगर भाई नजारा एकदम जबरदस्त लग रहा हो, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पे एंजॉय करो यार अभी तुम एक जो ICF कोचेस है उसका भाई नजारा लो अभी। बाकी यार हॉन्ग सुनो यार, EMD की हॉन्ग काफी समय के बाद फाइनली यार अपने को सुनने के लिए मिल रही है, लाइक अलग ही बात है यार इसमें। और यार ICF कोचेस वो नॉस्टैल्जिया, वो यादें जब हम बचपन में यू नो अपने को लगता था कि यही भाई ट्रेन होती है, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन मुझे लग रहा लाइक मेरी जो लाइफ की पहली ट्रेन जर्नी रही वो एक पैसेंजर ट्रेन में रही है। और लाइक काफ़ी लोग होंगे जो पहली भाई ट्रेन से जर्नी करे होंगे वो पैसेंजर ट्रेन होगी, और उस टाइम पे लाइक अपने को समझ आया होगा कि ट्रेन्स में भी कैटेगरी होती है, पैसेंजर अलग होती है सोफास्ट अलग होती है। जब भाई अपने को लिटरली आधा घंटे या 20 मिनट या 15 मिनट इंतजार करना पड़ता था यहाँ पे स्टेशन्स पे, और यू नो काफ़ी ज़्यादा सुपरफास्ट ट्रेन अपने को ओवरटेक करके जाती थी। तो लेट्स सी, मुझे पता नहीं है भाई एक्ट कैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग लाइक प्रीमियम एक्ट्स भी खेलेंगे, अच्छे अच्छे एक्ट्स भी खेलेंगे धीरे धीरे, लाइक यू नो वीडियोज आएंगे इस रूट पे तो काफ़ी लाइक ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल लेकिन एंजॉय करो अभी तो लोग पैसेंजर ट्रेन की जर्नी इस एपिसोड के अंदर, ठीक है।
तो चलो भाई यहाँ पे आप लोग मस्त वाली पहले तो क्रॉसिंग ले लो, और ऑब्वियसली यार ज्यादा लंबी होती नहीं है यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन। और फिलहाल गाइस तुम लोग देखो यार, तो मैं वही बोल रहा था कि ज्यादा लाइक लंबी होती नहीं है फिलहाल अपनी पैसेंजर ट्रेन, और अपनी ट्रेन का नंबर है 05602। तो ये आई थिंक सो कोविड के टाइम की ट्रेन है, जो कि लाइक एक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है ना बोल सकते हैं हम इसको। बट चलिए गाइस मैं फिलहाल आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा लाइक टूर व्यू में। गाइस एक बार तुम लोग देखो यार NFR रूट की खूबसूरती, देखो यार तुम एक बार वो पर्वत पहाड़ अपने को काफी लाइक देखने के लिए मिलने वाले हैं यहाँ पे। और क्या ही भाई लुक दे रहा है यार यहाँ पे जो हमारी ICF कोचेस है, क्या ही जबरदस्त लुक दे रहे हैं। तो फिलहाल गाइस हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे स्पीड लिमिट अपने को 100 की मिल चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे हल्का सा थ्रोटल ऊपर खींचता है, ठीक है। और ऑब्वियसली यार तुमको पता है कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन होती है ना वो यू नो 100 या 110 से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि जो मैंने भाई रियल लाइफ में जर्नीज करी है तो 110 से ऊपर मैंने नहीं देखा कोई भी पैसेंजर ट्रेन रन करती है इंडिया के अंदर। बाकी गाइस अगर तुम लोग ने कभी यू नो जर्नी करी हो कोई ऐसी पैसेंजर ट्रेन से जो 120 या 130 जाती है, कभी कभी यू नो चली जाती है किसी सेक्शन में, तो ज़रूर भाई कॉमेंट करना, ज़रा हम लोग अपनी पुरानी यादें जो है ताज़ा करते हैं यार। बाकी गाइस ट्रैक साउंड सुनो यार एक बार, और NFR रूट की यार खूबसूरती देखो यार, बादल वगैरह काफी सही लग रहे हैं यार। लाइक मैंने कोई भी यहाँ पे पैक नहीं लगाया बादल का, जो है भाई इस रूट का ही है सब। तो ग्रीनरी काफी सही लग रही है, बादल काफी सही लग रहे हैं, और मौसम एकदम भाई जबरदस्त लग रहा है, मजेदार लग रहा है। मतलब ऑब्वियसली यार सिंगल रूट है, इलेक्ट्रीफाइड है नहीं, क्योंकि यार अभी हम लोग NFR के अंदर है तो मुझे नहीं लग रहा यू नो तो इस सेक्शन में और इस एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हुआ है। बाकी गाइज अगर कोई यहाँ इस एरिया से है तो भाई वो लाइक कंफर्म कर सकता है। बट गाइज एक बार तुम लोग और नज़ारे देखो यार, सिंगल रूट पे भाई जबरदस्त यार, एक नंबर, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे वो लोग कोई भी डबल क्रॉसिंग वगैरह ऐसा नहीं होने वाला, एकदम सिंगल रूट होने वाला भाई है। बट वाइब आ रही है जब लाइक यू नो हम लोग जर्नी करते थे काफ़ी जब बचपन में छोटे थे जब हम लोग, तो भाई कुछ ऐसे रूट होते थे, और हमारे रूट में भी लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी समय के बाद आया है। तो तुम लोग भाई यू नो शेयर कर सकते हो यार अपनी वो यादें। बट चलिए गाइस फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 100 टच करने वाली है, और गजब भाग रही है। और अपना जो गाइस पहला स्टॉप होने वाला है कामरूप खेत्री प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो गाइस होने वाला है 8 किलोमीटर के बाद। तो तैयार रहिए गाइस, थोड़ी देर में जो है अपना पहला स्टॉप आने वाला है NFR रूट का। खूबसूरती है भाई नॉर्थ ईस्ट में, ये देखो पहाड़ देखो यार तुम, ऑब्वियसली यार काफी लाइक दूर है, बट होपफुली यार कोई तो पहाड़ जो है अपने को पास से क्रॉस करके जाए, जिसका लिए नो नजारा हम लोग मस्त तरीके से ले। बट गाइज एक बार तुम लोग यहाँ इंटीरियर देखो यार, एक एक का जो एक एक ICF है ये काफी लाइक हैवी डिटेल लग रहे हैं, और प्रॉपरली भाई ये जो है ना इंटीरियर एकदम भाई जो पैसेंजर ट्रेन है ना उसका है। लाइक ऐसा नहीं है कि स्लीपर कोचेस लगा दिए गए हैं, ये लिटरली पैसेंजर ट्रेन का ही है, आई कैन कन्फर्म दिस। ये बर्थ भी वही है, मिडिल बर्थ इसमें होती नहीं है, और ये जो ऊपर वाली बर्थ होती है ना जो अपर वाली वो थोड़ा सा नीचे होती है जनरल जो स्लीपर हमारे कोचेस होते हैं उनसे। तो डिटेल्ड है भाई, मजेदार लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। थोड़ा सा भाई जर्नी करो तुम ऐसे, ठीक है, और फील करो वाइब को, महसूस करो थोड़ा सा। बट चलिए गाइज यहाँ पे हमारे बगल में कोई तो मालगाड़ी भाई क्रॉस कर गई अपने को, ये देखो भाई मालगाड़ी को भाई हम लोग शायद क्रॉस कर चुके हैं या ओवरटेक कर चुके हैं, आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है गाइज हमारा जो है शायद स्टॉप आने वाला है। और थोड़ा सा ब्रेकिंग सिस्टम काफी अलग है यार इसका, एक मिनट भाई थोड़ा सा ब्रेक देना चालू कर देता हूं मैं, क्योंकि यहां पे 4.5 किलोमीटर मात्र बचा है अपना स्टेशन। एक काम करते हैं गाइस हम लोको व्यू में आते हैं फिलहाल,
क्योंकि यहाँ से भाई मुझे परफेक्टली रोकना है यार ट्रेन को। और गाइज लाइक मैंने काफ़ी लाइक ज़्यादा हैवी ब्रेकिंग कर दी है, और यार ये तो पैसेंजर के साथ यू नो होता रहता है, पैसेंजर ट्रेन के साथ। ब्रेक्स गाइज रिलीज कर देता हूँ मैं, ज़्यादा थ्रॉटल नहीं दूंगा अभी, बहुत आराम से चलाएंगे आगे। काफ़ी सही लग रहा है यार, और चगिंग साउंड सुनो यार एक बार तुम। खिड़की खोल दूँ क्या ज़रा? खिड़की गाइज खोल देता है, ठीक है? इनफैक्ट ये गेट भी खोल दो यार। और ये गाइज हो गया एएलपी वाला, यू नो। बस यार काश यार हम लोग यहां पर भी जा सकते होते हैं तो काफी लाइक मजा आ जाता। बट एनीवेज अभी गाइज जो है अराइवल हम लोग लोको व्यू से ही लेंगे, ताकि चीजें एकदम भाई जबरदस्त और रियलिस्टिक लगे, ठीक है? चलिए गाइज यहाँ पे स्पीड लिमिट हम आराम से भी मेंटेन करेंगे अराउंड 30 के आसपास, क्योंकि 4.5 किलोमीटर रह गया। वैसे तो भाई 100 की स्पीड लिमिट अभी भी है, तो मैं थोड़ा सा और खींच सकता हूँ इनफैक्ट थ्रॉटल को। जरा हॉर्न सुनो यार तुम। गाइज कमेंट करो यार लाइक अगर मजा आया हो। और ये क्या है? ओके ये भाई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चीज है यार ये। इसको भाई पीछे ही रहने देता, अदरवाइज पता चला हमारा लोको बड़े बंद पड़ गया। बट यहाँ पे यू नो 37% पे अच्छी खासी स्पीड जो है मेंटेन कर ले रहा है हमारा यहाँ पे WDP4। बट यहाँ पे सिंगल कैबिन है, तो गाइज मतलब अपन को कैसे चलाना पड़ेगा इसे, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर यहाँ से, अदरवाइज अपने को शायद यहाँ से चलाना पड़ेगा, राइट? कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोलिंग गाइज कुछ इस तरीके की है इसकी। बाकी ये रही गाइज कैबिन लाइट, सही है यार, नॉट बैड। वैसे मुझे वो वाला लुक काफी अच्छा लगता है, वैसे उसमें विजिबिलिटी काफी कम होती है बट मजा उसमें भी आता है। बट ठीक है फिलहाल हम लोग फ्रंट व्यू में चला रहे हैं तो ये भी बढ़िया ही है यार। बट चलिए गाइज यहां पे अब जो है थोड़ा सा जीरो कर दो, इनफैक्ट मैं कहता हूं 12 पे कर दो उसको, ज्यादा स्लो डाउन नहीं करते हैं। बाकी सामने सिग्नल मुझे येलो दिख रहा है, इनफैक्ट डबल येलो दिख रहा है, तो स्पीड अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है हम लेट हो गए क्योंकि अराइवल 9:40 पे होना चाहिए था बट 9:42 हो चुका है ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है 5 मिनट लेट हो जाएगी पैसेंजर। यार कोई नई बात थोड़ी ना है, तुम लोग बोलोगे यार ये तो होता रहता है यार पैसेंजर के साथ। एक्चुअली मजा उसमें ही है गाइज, मतलब कि अगर पैसेंजर ऑन टाइम चले तो फिर वो फील नहीं है यार, वो बात नहीं है। तो डिले तो कर रहा भाई पैसेंजर का एक तरीके से शान है यार, और फील आती है भाई, वाइब आती है। तुम लोग समझ सकते हो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम लिटरली पैसेंजर चला रहे ना तो फिर भाई उसी जोन में चलाएंगे जैसी लाइक पैसेंजर चलती है। ये नहीं भाई कि उसको एकदम सुपरफास्ट बना दी, वरना तुम लोग भाई रिलेट कैसे करोगे फिर। बट यार मजा आ रहा है मतलब EMD चलाने में, एक नंबर फील आ रही है, वो वजनीला माहौल सा थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे कि हैवी काफी इंजन दौड़ा रहा हूं मैं ट्रैक्स के ऊपर, और वो भी सिंगल रूट है तो और सही लग रहा है। यू नो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बगल में ट्रैक्स है, थोड़ा मॉडर्न माहौल है, एकदम बहुत पुराने जमाने में चले गए यहाँ पे। बट चलिए गाइस अब थोड़ा सा और यहाँ पे जीरो पे डालो उसको, क्योंकि हमारा जो स्टेशन है गाइस वो अप्रोच कर रहा है, और अपने को स्पीड लिमिट मिल चुकी है 30 की, बिकॉज आई थिंक सो मेन लाइन से हम लूप लाइन पे जाने वाले हैं। और सामने मुझे दिख रहा है गाइज WDM3D द लेजेंड द मिथ द लोकोमोटिव भैया सामने है, ये देखो गाइस। और यहां पे अपने को रुकना भाई, भाई लुक देखो यार एक बार, ये क्रॉसिंग अलग चीज है, तुम समझ रहे हो ना गाइस, ये लूप लाइन वाली क्रॉसिंग है, ये वो क्रॉसिंग नहीं है कि कोई ट्रेन हमारे बगल से निकल रही है। पता नहीं यार कौन सी ट्रेन थी यार, मैं लाइक देख नहीं पाया,
छोड़ दो यार गाइस, तुम लोग क्रॉसिंग देखो यार, क्या करोगे ट्रेन का नाम देख के। अरे भाई मालगाड़ी देखो यार, भाई यार मैं फील कर रहा हूं यार वो वाली वाइब। आई डोंट नो लाइक तुम लोग कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बट यार मैं कर रहा हूं भाई। क्या डिटेल लग रहा है यार यहां पे मालगाड़ी कोचेस। और गाइस हम लोग यहां पे रुक चुके प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक सो हाँ परफेक्टली रुकी है भाई अपनी ट्रेन, एकदम परफेक्ट। और आई थिंक सो आगे के लिए अपने आपको सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि यहां पे सिंगल लाइन है, तो इसीलिए जो है वो वाली ट्रेन को लूप लाइन पे डाला गया था, शायद मेन लाइन पे रखा था उसको। एक मिनट लेट मी करेक्ट, क्योंकि यार थोड़ा सा कंसेप्ट हिल गया गाइस, डबल लाइन सेक्शन पे रो ट्रेन चला चला के अपना कंसेप्ट हिल चुका है। हाँ उसको मेन लाइन पे रखा था, हमें लूप लाइन पे डाला गया क्योंकि भाई हम पैसेंजर है यार, हमें नहीं डाला जाएगा तो किसको डाला जाएगा। बट एनीवेज गाइस मजा आया भाई पहली बार लूप लाइन पे जाने में। और गाइस यहाँ पे ज्यादा देर में रुकूंगा नहीं, तो फटाफट जो भी भाई पानी का बॉटल भरना है, समोसे लेने जो भी लेना भाई फटाफट कर लो यार, ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद अपने को सीधा बढ़ना है नेक्स्ट स्टेशन पे, जो कि होने वाला है डिगरू प्लेटफॉर्म नंबर 1। और ये रन होगा भाई 12 किलोमीटर का, गजब यार। बाय गाइस फटाफट तुम लोग यार अभी वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए यार मुझे। NFR भाई काफी जबरदस्त लग रहा है मुझे, और छोटी छोटी चीजें भाई डिटेल है और एंजॉय कर रहे हैं यार हम, पहला सिनेरियो है इसका। और होपफुल यार तुम लोग भी कर रहे होगे। पर चलिए गाइस यहां पे समय हो चुका है और अब हम भाई बढ़ाना चालू करते हैं। वैसे अपना डिपार्चर यहां पे कितने टाइम पे था एक बार मैं टाइम टेबल देख लेता हूं। तो अपने को निकलना था 9:44 पे, ऑलरेडी लाइक हम लेट हैं, तो लेट्स गो गाइस, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम ज्यादा। ब्रेक्स रिलीज, 12% थ्रॉटल, क्या हो गया भाई, भाई पूरा टाइम लेता है यार ये, यू नो ब्रेक्स वगैरह रिलीज करने में सब कुछ करने में। तुम लुक देखो यार इसका एक बार, चेक द डिटेलिंग गाइस। ये वाली क्रॉसिंग गाइस परफेक्टली लो तुम लोग, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग फिर पकड़ेंगे ट्रेन, ठीक है। ये भाई पूरी क्रॉसिंग देने वाला हूं मैं आराम से स्लो मो में, मस्त एंजॉय करो अभी बैठ के। व्हाट अ लुक गाइस, क्या लुक है यार, धीरे धीरे भाई अपनी पैसेंजर बढ़ रही है। काश यार इसमें जॉइंट्स का साउंड आता यार, बवाल हो जाता भाई, एक नंबर हो जाती भाई चीज़ है। ऑल राइट गाइज परफेक्टली हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट कर चुकी है यार यहाँ से भी, ये देखो चेक दिस आउट गाइज। और यहाँ पे मालगाड़ी भाई क्या ही जबरदस्त लुक दे रही है भाई, गाइज कर पे अपनी ट्रेन देखो यार, और जिस चीज का इंतजार था ना सामने भाई पहाड़ आ रहे हैं, अब तैयार हो जाओ यार एकदम पहाड़ों के लिए। अब वॉट अ लुक गाइज, वॉट अ लुक, क्या प्यारी लग रही है भाई यहां पे लूप लाइन से मेन लाइन पे जाती हुई अपनी ट्रेन। बवाल यार ये देखो, और बहुत हौले हौले जा रही है
यहाँ से डबल लाइन है क्या? लाइक मजा आ जाएगा यार, मैं तो चाहता ही वही हूँ कि डबल लाइन हो सकता है लाइक आधे सेक्शन में डबल लाइन हो और आधा अभी काम चल रहा हो, बट जो भी है ये रूट अच्छा है, खूबसूरत है। लाइक काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ी पहाड़ी जैसा माहौल हो रहा है। यू नो ज़्यादा मॉडर्न और शहरी तामझाम नहीं है यहाँ पे कि सिटीज हैं ये सब, तो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट वाला मुझे लग रहा है लुक दिया गया है। और बाकी जो भी गाइज अगर है कोई नॉर्थ ईस्ट से, असम से, गुवाहाटी से, भाई कन्फर्म कर दो यार एक बार कि क्या रियल लाइफ में लाइक ऐसा ही है रूट। बढ़िया डिटेलिंग बवाल। चलिए गाइस थोड़ा सा हॉन्ग मारते ना यहाँ पे। और गाइस थोड़ा सा हम साइड कर पे हैं, तो आपको मैं कर पे ट्रेन दिखाऊंगा पहले। ये देखो हॉले हॉले WDP4 जो है भाई खींच रहा है अपनी ट्रेन, देख लो गाइस। और इस साइड भी देख लो यार तुम, भाई फील आया हो तो फिर भाई वीडियो लाइक से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार। चलो भाई अभी एक बार हम स्पीड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल स्पीड लिमिट गाइस 70 का है, और मैं एक काम करता हूं अपनी जो थ्रॉटल है उसको 50 पे डालता हूं, ठीक है। अब गाइज हम चलेंगे थोड़ा सा ड्रोन व्यू के अंदर, क्योंकि डोर व्यू काफी हो चुका है। अब हल्का सा नजारा ड्रोन व्यू से गाइज। तो फिलहाल गाइज यहां पे WDP4 एक्सेलरेशन चालू कर चुका है और अब खींचना चालू कर रहा है हमारी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को। और गाइज मुझे ये देखना है कि गुवाहाटी का जो स्टेशन है वो भाई कैसा है, तो लेट्स सी, देखते हैं इस एपिसोड में हम लोग गुवाहाटी तक पहुंच पाते हैं या फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग गुवाहाटी पहुंचेंगे। चलिए गाइज यहां पे थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग हो रही है, और बिकॉज ये यार रूट थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ढलान और चढ़ाई होने वाली है, तो हम लोग को जो गिवन स्पीड लिमिट दी जाएगी हम लोग भाई एग्जैक्टली उसी को फॉलो करेंगे। ये रूट में काफी सावधानी से चलाने वाले हैं, ठीक है। और फिलहाल भाई अपने को 70 पे ही चलाना है, उसके बाद गाइज हमारी स्पीड लिमिट 80 पे दी जाएगी अपने को। और यहां से भाई डबल लाइन वाला सेक्शन चालू हो गया है, ये देखो यहाँ पे डबल लाइन है। बढ़िया WDP4 का जो है काफी सही लग रहा है यार, साउंड वगैरह ब्रेक्स रिलीजिंग वाला साउंड भी सब एकदम जबरदस्त लग रहा है। और सामने सिग्नल अपने ग्रीन दिख रहा है, बट यार स्पीड नहीं है यार अभी अपने पास। ये देखो गाइज, तो फिलहाल गाइज हम डोर व्यू में है और यहां से अपनी स्पीड अब 80 की हो चुकी है भाई। कर्व एकदम जबरदस्त बन रहे लेकिन यहाँ पे, और सामने भाई कोई स्टेशन अराइव कर रहा है शायद, लेट मी चेक। बट हम लोग गाइज मेन लाइन से स्किप कर रहे हैं यार उसको, लिटरली पैसेंजर ट्रेन हो गए तितेलिया को भाई हमारी पैसेंजर ट्रेन स्किप मार दिया है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि लगभग पैसेंजर ट्रेन हर एक स्टेशन पर रुकती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और मीडियम साइज में तो ऑब्वियसली रुकेगी, बट लाइक यहाँ पे स्किप मारा काफी अच्छा लगा, मजा आ गया। और गाइज हमारा जो स्टेशन है नेक्स्ट स्टॉप है वो फिलहाल गाइज अराइव कर रहा है। बट गाइज सुनो यहाँ पे पहाड़ देखो, अभी मैंने क्या बोला था, ग्रीनरी और सीनरी बहुत भयानक होने वाली, अच्छी होने वाली है लाइक इस रूट के अंदर। इस साइड भी देखो यार काफी लाइक बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़ है। अपने को अब भाई थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और वहां भी लाइक यू ट्रैक्स का काम चल रहा है, बट पूरे तरीके से अभी ट्रैक्स बिछाए नहीं गए वहां। गाइस यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करा है हमने, कोई तो नदी को भाई क्रॉस कर दिया है। अभी गाइस काम करेंगे हम लोग, ये जो भी अराइवल है
हम भाई यू नो टोर व्यू से लेना वाले हैं, तो मैं यहाँ पे जीरो पे कर देता हूँ कि मात्र जो है 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से, इसको मैंने अभी आइडल पे डाल दिया है। परफेक्ट। और अभी गाइज ब्रेक्स नहीं दे रहा हमें, थोड़ा सा और पास जाएंगे फिर हम ब्रेक्स देना चालू करेंगे। बट यार एक चीज लाइक मुझे क्लाउड्स काफी सही लगे यार इस रूट के, देखो क्लाउड देखो यार काफी अच्छे क्लाउड्स है, मतलब काफी सुंदर लग रहे यार दिखने में। और गाइज यहां पे एक और ब्रिज, और मुझे लग रहा है अब भाई अपने को ब्रेक्स देने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे डिगारू जो है हम अराइव कर रहे हैं इसीलिए। अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना है अपने को, वैसे तो 90 की है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा स्लो स्लो जो है हम अराइव करेंगे डिगारू की तरफ। और सामने लाल हो रखा है यार सिग्नल, ऐसा क्यों? लाल नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से क्योंकि हमारा जो स्टॉप है वो डिगारू होने वाला है ऑलरेडी, बट मुझे लग रहा है हम डिगारू भी रेट हो चुके हैं। लाइक अपना पहुंचने का टाइम यहां पे कितना था? अच्छा 10:05 था भाई, तो हम जल्दी पहुंच गए क्या डिगारू? अरे भाई डिस्टेंस हमने जो है कवर कर ली यार, वो भी पैसेंजर के साथ, यार गलत बात है यार ये। बट गाइस हम लूप लाइन में जा चुके हैं, ये देखो कोई जल्दबाजी नहीं, तुम लोग को एकदम भाई फील दिला दूंगा अभी मैं पैसेंजर वाला, ये देखो गाइस। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो डिगारू आ चुकी है। और वो स्लोली स्लोली अराइव कर रही है यहाँ पे। हमारे राइट साइड पे कुछ है क्या, एक बार देख लेते हैं उधर भी। राइट साइड में भाई फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, बट एक चीज जरूर है कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो क्लियर है, अच्छी बात है। लाइक अगर कोई क्रॉसिंग हो जाती है तो भाई मजा आ जाएगा। बट गाइस हम तो यहाँ पे मस्त तरीके से फिलहाल अराइव कर रहे हैं और 5 मिनट है यार हमारे पास, यू नो ऑन टाइम हमने पहुंचा दिया यार ट्रेन को। थोड़ा कुछ ज्यादा ही स्लो हो रही है, हल्का सा थ्रॉटल दो यार, एकदम परफेक्टली रोकना भाई मुझे। चलो यहां से रोकते हैं ठीक है, लाइक ज्यादा बेटर रहेगा यहां से रोकना। चलेगा चाय, चाय 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 चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा, चाय राम प्यारी चाय बढ़िया चलेगा, चाय चाय चलेगा राम प्यारी चाय बढ़िया चाय। ऑल राइट गाइज, तो अब यहाँ पे अपने को थोड़ा एकदम जीरो कर दो और ब्रेक्स देने की जरूरत है या फिर वैसे ही रुक जाएगी ट्रेन। चलो दे देता हूँ मैं, परफेक्ट, ये देखो यार। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल हमारी जो है पैसेंजर स्पेशल ट्रेन डिगारू पे आ चुकी है और यहां से अपने को डिपार्ट करना है 10:06 पे। तो बेसिकली गाइस यहां पे अपना 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और ये वाली लाइन मुझे क्लियर दिख रही है, तो हो सकता है शायद अपनी क्रॉसिंग हो जाए। ये वीडियो को हम लोग फिलहाल करते हैं यहीं पर एंड, और जो अपने नेक्स्ट जो एक स्टेशन बचा है उसके बाद गाइज गुवाहाटी, वो हम लोग कवर करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अपनी गाइज 2 एपिसोड में जर्नी खत्म हो जाएगी। तो आशा करता हूं गाइस आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, अगर गाइस आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बाकी कमेंट करिए कि NFR रूट आपको कैसा लगा। और काफी समय के बाद
आप लोग को ICF पैसेंजर ट्रेन की जर्नी WDP4 EMD का चगिंग साउंड कैसा लगा है और उसका हॉर्न कैसा लगा है। और धीरे धीरे गाइज हम लोग हर टाइप की जर्नी करने वाले हैं इस रूट के ऊपर, तो डोंट वरी गाइज, हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइज आपसे जो है बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखें अपना एंड गुड बाय।